लो खाना खा लो। कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, मगर वक्त ही मेरा जख्म है। 14 साल कम समय नहीं होता, खास करके तब जब रोजाना आपका खाना वेज हाका नूडल्स हो। मगर मैं खाऊंगा, जिंदा जो रहना है मुझे, ये जानने के लिए कि वो कौन दुश्मन है मेरा जो इतनी नफरत करता है मुझसे। कभी ना कभी तो जरूर आजाद करेगा वो मुझे इस पिंजरे से। वही धुन फिर से। बंदूक? उसने मुझे बंदूक क्यों दी? हजार के नोट, इतने सारे? ये कैसा मोबाइल फोन? उसी का फोन होगा। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारे वक्त में मोबाइल फोन्स बहुत कम इस्तेमाल होते थे, और ये हजार के नोट जो मैंने तुम्हें दिए हैं वो तो थे ही नहीं तुम्हारे जमाने में। कौन हो तुम? क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? तुमने मुझे 14 साल उस कमरे में क्यों बंद कर रखा? मैं तुझे मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया था, तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? सब कुछ बहुत जल्द पता चल जाएगा। पैसे और गन तुम्हारी मदद करेंगे। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। 3 दिन देता हूँ सिर्फ, 3 दिन में मुझ तक पहुँचो और मुझे खत्म कर दो। मार सको तो मार दो। मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हंसते खेलते घर को उसकी नजर लग गई। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं उसे ढूंढ कर ही निकालूंगा। Thank you.
कितना खूबसूरत है, मीरा को बहुत पसंद आएगा। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? खुशी की बात है, आखिर क्या बात है, हमें भी तो पता चले। बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। कितना सुखी परिवार था, पर मेरी मीरा बेटी कैसी है, कितने खुश थे। अब तुम बाहर जाओ, मैं आता। लॉकेट इसी में होगा। इसे मैं अपने पास रख लेता, इसमें एक डायरी होगी, इसमें होगी ये रही। इसमें उसका नंबर होगा। हेलो गिरीश, मैं देव। कहाँ है तू, कैसा है, कहाँ था इतने साल? गिरीश मैं ये सब फोन पर नहीं बता सकता, क्या हम मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, वहीं मिलेंगे अपने पुराने अड्डे पे। टटारा डिस्कोथेक 8 बजे। तुम महेश खूनी, मैं जानता था कि तुम एक ना एक दिन वापस जरूर आओगे। तुमने क्या सोचा था कि 14 साल के बाद भागकर वापस आने पर तुम्हें मिलने वाली सजा से तुम बच जाओगे? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुमने अपनी बीवी प्रिया का खून किया है। मैं अभी CID को फोन लगाता हूँ। CID को फोन मत करना। महेश, अरे CID को फोन मत करना। तुम्हारे पास बंदूक है तो मुझे फोन लगाना ही पड़ेगा। तो आपने देखा था उस आदमी को जिसने आप पे गोली चलाई? जी हाँ, वो देव था। देव कौन है ये देव? जी वो मेरा पड़ोसी था। आज से 14 साल पहले वो अपनी पत्नी प्रिया का खून करके भाग गया था, आज तक पकड़ा नहीं गया था। वो क्या वापस अपने घर आया था? जी हाँ, जब मैंने आप लोगों को फोन करके बताने की कोशिश की तो उसने मुझे भी गोली मार दी। अच्छा, उस वक्त देव अकेला था या उसके साथ में कोई और भी था? वो था तो अकेला ही, मुझे गोली मारने के पहले उसने किसी गिरीश नाम के आदमी से फोन पे बात किया था। क्या क्या बात की उसने, आपने कुछ सुना? उससे कह रहा था कि वो उसे टटारा डिस्कोथेक में मिलेगा रात 8 बजे। टटारा डिस्कोथेक रात 8 बजे? 8 बजने में भी 4 घंटे बाकी हैं, तब तक इस देव की कुंडली निकालते हैं। मिल गया सर, ये देखिए देव के काले कारनामों का चिट्ठा। तो इस देव ने आज से 14 साल पहले 24 अप्रैल 1998 को अपनी बीवी प्रिया का खून किया था, पेट में चाकू घोंप के। हाँ सर, और वो खून करके फरार हो गया, और पुलिस को चाकू के ऊपर से उसकी उंगलियों के निशान भी मिले, और तो और मौका वारदात पे देव की खून की बूंदें भी मिली, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पकड़ नहीं पाई उसे। और अब 14 साल बाद वो इस शहर में वापस आया है। सर जरूर कोई बहुत बड़ी ठोस वजह इस देव के वापस आने की, वरना खुद घर जाके वो अपने आप को मुसीबत में क्यों डालता। इसमें यह भी लिखा है कि उस वक्त देव की 1.5 साल की बेटी भी थी मीरा, और उसकी माँ की मौत के बाद से वो गायब है। आ रहा है ना आज रात ये देव टटारा डिस्कोटेक में, बहुत सारे सवालों के जवाब देने इस देव को। क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक खरीद सकती हूँ? नो नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, कुछ और कर सकती हूँ? हाँ, जस्ट लीव मी अलोन। अगर मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी तो आपको गिरीश तक कौन पहुँचाएगा?
तुम गिरीश को जानती हो? आओ मेरे साथ। गिरीश, देखो तुमसे मिलने देव आया है। देव, हाय मैन, मेरे दोस्त कहाँ थे यार? क्या मजाक है? ये गिरीश नहीं है। सही पहचान। मैं बाराती हूँ, तुम्हारी बारात में शामिल होने आया। देव, अरे मेरे दोस्त, यार, यार मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कैसा है तू? हाँ, चल घर चले। मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कोई कहीं नहीं जाएगा। पहले तुम लोग ससुराल चलोगे। ससुराल? हाँ ससुराल। CID ब्यूरो। CID ब्यूरो? मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। जो जुर्म आप लोग मुझसे कबूल करवाना चाह रहे हो वो मैंने किया ही नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। अपनी बीवी प्रिया का खून तुमने ही किया। मैं तो उससे स्कूल के दिनों से ही प्यार करता था। स्कूल के दिनों से? मतलब तुम और प्रिया के एक ही स्कूल में पढ़ते थे? कौन से स्कूल में पढ़ते थे तुम? एक ही स्कूल में नहीं सर, मैं ग्रीन हॉर्न्स में था और वो एसके स्कूल में। मैं उससे जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मैं उसका खून क्यों करूंगा? ये सच कह रहा है सर। आप? मेरा नाम गिरीश है, मैं देव का दोस्त हूँ। प्रिया भाभी और देव के प्यार की मिसाल तो हम सभी दोस्त दिया करते थे। अगर तुमने खून नहीं किया तो इतने साल तक कहाँ गायब रहे? पुलिस से डर के भाग क्यों रहते तुम? मैं नहीं भागा। तो क्या 14 साल से हिमालय में जाकर बैठे थे समाधि लगाकर? सर मैं किडनैप हो गया था। किडनैप? वो भी 14 साल के लिए? हाँ। मतलब 1998 से लेके 2012 तक तुम किडनैपर की कैद में थे? हाँ। किसने किया था तुम्हें किडनैप? मुझे नहीं पता सर। है? पता नहीं? तुम कह रहे हो कि किसी ने तुम्हें 14 साल तक किडनैप करके रखा, अब कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं किसने किडनैप किया तुम्हें? मैं कभी उसका चेहरा नहीं देख पाया और ना ही उसने कभी अपना नाम बताया। चलो नाम नहीं सही, वजह तो बताई होगी किडनैप करने की। मुझे कोई वजह नहीं बताई उसने। वजह भी नहीं बताई और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास करें कि तुम्हें 14 साल के लिए किसी ने किडनैप किया था, कैद में रखा था, मगर किसने किया ये तुम्हें पता नहीं, क्यों किया ये भी तुम्हें पता नहीं। तो फिर चलो ये बताओ कहाँ पे रखा था तुम्हें किडनैप करके, बताओ। मुझे नहीं पता था, बस एक कमरा था जिसमें टीवी फ्रिज एसी सारी सुविधाएं दी थी। मैं उसे नहीं जानता और ना मुझे पता था कि मैं उस कमरे में 14 साल रहने वाला। तुम्हारी इस कहानी पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं, फिर भी और एक मौका देता हूँ तुम्हें। सच सच बताओ, बिल्कुल शुरू से, जिस दिन तुम किडनैप हुए थे उस दिन से। 21 अप्रैल 1998, मेरी छोटी सी जिंदगी बड़े सुकून से कट रही थी। सारी खुशियां थी मेरे पास, मैं, मेरी बीवी प्रिया और हमारी नन्ही सी बच्ची मीरा। कितना खूबसूरत है, उसे बहुत पसंद आएगा। क्या बात है, बड़ी खुश लग रहे हो। खुशी की बात? क्या बात है, हमें भी तो पता चले। कुछ बात है ना, थोड़ा सब्र करना सीखो, सब्र का फल मीठा होता है। मेरी मीरा बेटी कैसी है? अच्छा इसे लेकर बाहर जाओ, मैं आता हूँ। तुमने बताया नहीं क्या बात है। तुम जाओ तो मैं आता हूँ, बताओ तुम। ये क्या हो रहा है? और फिर मैं बेहोश हो गया। जब नींद खुली तो देखा किसी अनजान जगह पर हूं। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मुझे वहां 14 साल बिताने होंगे, पर अगर ये बात मुझे पता भी होती तो क्या मेरा दर्द कुछ कम हो जाता? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया? अरे कोई है? कोई सुन रहा है? मुझे अंदर क्यों बंद किया तुम लोगों ने? कहाँ हूँ मैं? किसने बंद कर दिया मुझे? खिड़की नहीं, टीवी है, सारी सहूलतें, इसने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन काल कोठरी में क्यों बंद कर दिया? ये लो खाना। आप लोग कौन है? मुझे क्यों बंद कर रखा है साहब? अगर आपको पैसा चाहिए ना मैं दिलवाऊंगा, मुझे छोड़ दो। उसके पास पैसों की कमी नहीं है। किसके पास?
क्या नाम है उसका? मुझे बताओ उसके नाम। वो तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। छोड़ो। अरे छोड़ो, छोड़ो। और फिर एक दिन चार लोग अंदर आए। कौन है आप लोग? मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मेरा खून क्यों ले जा रहे हैं। मेरा खून क्यों ले लिया? जाने से पहले उन्होंने मेरा ग्लास भी ले लिया। ग्लास? उन्होंने ऐसा क्यों किया था? अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप लोग? मेरा खून क्यों ले जा रहे हो? मेरा खून, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। उस दिन मुझे समझ में आया जब मैंने न्यूज चैनल पर देखा कि आज सुबह देव नाम के सिविल इंजीनियर ने अपनी पत्नी प्रिया की चाकू मारकर हत्या कर दी। चाकू पर देव की उंगलियों के निशान और फर्श पर उसकी खून की बूंदें इस बात की पुष्टि करती हैं कि खून देव ने ही किया है। देव फरार है, पुलिस को उसकी तलाश है। देव और प्रिया की एक ढाई साल की बेटी मीरा भी थी, जिसका फिलहाल कोई पता नहीं चल पा रहा। पुलिस का मानना है कि देव उसे अपने साथ ले गया है। क्यों मारा तुमने प्रिया को? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैं कैसे मार सकता हूं इसको? मैं फरार कैसे हो सकता? मैं तो प्रिया को बहुत प्यार करता था। ये क्या हो गया? मीरा, मेरी बच्ची मीरा कहाँ हो गई? मीरा का क्या किया तुमने? मेरी बच्ची कहाँ है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे माफ कर दो, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। और इस तरह उस इंसान ने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, बदला। उससे मारकर मैं फांसी भी चढ़ जाऊं तो मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं। तुम्हारी बेटी मीरा वो कहाँ है? पता नहीं कैसी होगी, मुझे ये भी नहीं पता। किस हाल में होगी मुझे ये भी नहीं पता। हौसला रखो देव, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। सीआईडी वाले उस खूनी को सजा जरूर दिलाएंगे और तुम्हारी बेटी मीरा को भी ढूंढ निकालेंगे। मुझे लगता है कि जरूरी है काम किसी पुलिस ऑफिसर या फोरेंसिक के डॉक्टर का होगा, वरना देव की उंगलियों के निशान उठाकर हथियार पे डालना और फिर ब्लड सैंपल्स को ठीक जगह पे गिराना, ये किसी अनाड़ी आदमी का काम नहीं हो सकता सर। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। एक बात बताओ देव, ये गन और फोन ये तुम्हें किसने दिए, कहाँ से आए? उसी ने दिए थे, मेरी सूट की जेब में रख दिए थे। और उसका फोन भी आया था प्राइवेट नंबर से। प्राइवेट नंबर से फोन आया था? क्या कहा उसने? कि अगर तीन दिन में मैंने उसे नहीं ढूंढ निकाला तो वो मुझे मार देगा। मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए सर, इतने सालों के बाद मिला है मुझे ये, मैं इसे फिर से खोना नहीं चाहता। आप चिंता मत करो, आपके दोस्त देव को कुछ नहीं होगा। सर ये आदमी काफी पहुंचा हुआ है, क्योंकि प्राइवेट नंबर्स तो ऐसे ही किसी को नहीं मिलते। देव, वो आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी तुम्हें जब तुमने फोन पे बात किया उससे? नहीं सर। चलो जगह के बारे में तो बताओ, याद करो, जरा दिमाग पर जोर डालो, बताओ। सर बस एक कमरा था, उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, बाहर से किसी की कोई आवाज नहीं आती थी। मैं तो किसी इंसान की आवाज सुनने को तरस गया था सर। फिर भी कुछ तो सुना होगा, वहाँ बाहर से कोई आवाज आई होगी, कोई अजीब सी आवाज। बस हाँ सर, एक धुन जिसके सुनने के बाद मैं बेहोश हो जाता था। धुन सुनते थे और बेहोश हो जाते? जी सर। अच्छा, और कुछ? हाँ सर, हवाई जहाज उड़ने की आवाज दिन भर आया करती थी सर। हवाई जहाजों की आवाज है? इसका मतलब है दया, वहाँ पे एयरपोर्ट है करीब ही, जहाँ पर देव को कैद करके रखा था। कुछ और खास बात? देखो देव, छोटी सी छोटी बात भी हमारे लिए काम की हो सकती है, बताओ, सोचो। हाँ सर, वो लोग मुझे दिन रात एक ही किस्म का खाना देते थे सर। रोज एक ही किस्म का खाना? हाँ सर, 14 साल दिन रात मैंने एक ही चीज खाई है, नूडल्स, सिर्फ नूडल्स, सिर्फ नूडल्स। देव, ये बताओ क्या कभी इस नूडल्स का स्वाद बदला है, या एक ही स्वाद था, एक ही किस्म के, एक ही तरह के नूडल्स?
नहीं सर, 14 सालों में उसका स्वाद कभी नहीं बदला। उसका स्वाद आज भी मुझे याद है, मेरी जबान पर खुदरा हुआ है सर उसका स्वाद। I'm sorry देव, लेकिन तुम्हें एक बार और वो नूडल्स खाने पड़ेंगे हमारे लिए। टेस्ट कीजिए मिस्टर देव। ये नहीं, इस रेस्टोरेंट का शेफ कौन है? ये वो नूडल नहीं, मुझे नहीं लगता है नूडल खाने के बाद मैं और कभी नूडल खा पाऊंगा, इतना घटिया बना है। पीछे वो सियाणी ये तो मैम मुझे पूरा यकीन था कि उस कमरे में कैमरे हैं। क्यों किडनैप किया मुझे? तुमसे बात करता था। मैं नहीं हूँ वो। तुम ही थे, तुम ही थे। मैं नहीं हूँ वो। तुम्हें कैद कर रखने के लिए मुझे किसी ने पैसे दिए थे। किसने दिए थे पैसे? मैं नहीं जानता, वो हमेशा मुझे फोन करता है। वो नंबर लाओ। वो हमेशा अपने प्राइवेट नंबर से फोन करता है। और पैसे? वो तुम्हें पैसे कैसे देता था? वो हर महीने के 1 तारीख को बिल्डिंग के नीचे ड्रॉप बॉक्स में रखकर जाता है। अगर ये वो आदमी नहीं है तो वो कौन है जो मुझसे इतनी नफरत करता है कि 14 साल के लिए वो इस आदमी को पैसे देगा मुझे कैद में रखने के लिए? इसका पता भी चल जाएगा। देखो तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारे लोगों के नाम लिखो, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक उन सारे लोगों के नाम जिनके साथ कभी तुम्हारा झगड़ा हुआ हो या किसी का दिल दुखाया हो तुमने। कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी बात भी काफी होती है बदला लेने के लिए। प्रतीक, मंगल, शुभम, सिद्धार्थ, सौकी, जेरी, ये रही मेरी दुश्मनों की लिस्ट। प्रतीक, मंगल, शुभम, सिद्धार्थ, सौकी, अशोक और जेरी। सर, ये उसी का फोन। स्पीकर फोन पर बात करो। हेलो। हेलो देव, कैसे हो? बाहर मजा आ रहा है कि नहीं? जब तक तुझसे मुलाकात नहीं होगी मजा कैसे आएगा? 24 घंटे, बस 24 घंटे और बचे हैं, फिर हम दोनों आमने सामने होंगे। अपनी जिंदगी का आखिरी दिन खुल कर जी लो देव। तुझे जितना जीना है जी ले, जिस बिल में छुपा है छुपा रहे। तुझे पताल से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा। जब CID वाले पास खड़े हों तो GT के भी पर निकल आते हैं। अगर तुझे लगता है कि CID वाले तेरी जिंदगी बचा पाएंगे तो तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। अपने दुश्मनों की लिस्ट में मेरा नाम लिखना भूल गया देव? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मुझसे मिलते क्यों नहीं तुम? जल्दी मिलूंगा, तब तक अपनी मौत का इंतजार कर। हेलो। इसे कैसे पता चला कि देव के आसपास क्या हो रहा है? कोई पीछा कर रहा है हमारा, हम पे नजर रख रहा है। लेकिन फ्रेडी, उसे तो ये भी मालूम है कि देव इस वक्त CID ब्यूरो में बैठा है और अपने दुश्मनों की लिस्ट बना रहा है। कहीं कोई सीक्रेट कैमरा तो नहीं लगवा दिया उसने यहाँ पे?
नहीं सर, यहाँ पे तो कोई कैमरा दिख नहीं रहा है। क्या मतलब सर? अब बात कर सकते हैं। इस बग को मैंने इस साउंड प्रूफ बॉक्स में रख दिया है। अब ये हमारी आवाज कैच नहीं कर सकता है। इस बग की वजह से ये किडनैपर हमसे एक कदम आगे रहता था। अब देखते हैं। यार सलूंखे, ये देव होश में कब आएगा? दो घंटे में इसके एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही होश में आएगा। सर, जिसने भी ये काम किया है उसका दिमाग बहुत ही अजीब तरीके से चलता है। उसने पहले देव को 14 साल तक कमरे में बंद रखा और जब छोड़ा तो उसके शरीर में ये बग फिट कर दिया ताकि वो हर समय इसकी बातें सुन सके। और ये बग भी उसी दौरान लगाया गया है जब देव को बंदी बनाया गया था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि देव को पता कैसे नहीं चला जब उसके पीठ में ये बग फिट किया जा रहा था। वेलियम गैस की वजह से। वेलियम गैस? जब हमने देव का ब्लड टेस्ट किया तो देव के ब्लड में हमें वेलियम गैस के ट्रेसेस मिले। यार सलूंखे, ये वेलियम गैस तो रशियन सेना ने चेचनिया के आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। अब बॉस, इसकी बॉडी में हमें विटामिन डी भी बहुत कम मात्रा में मिला है। सलूंखे, जब भी कोई आदमी 14 साल से सूरज की रोशनी से दूर रहेगा तो यही होगा ना? सिर्फ इतना ही नहीं सर, इसके खून में से हमें स्नोडन थर्वेल नाम की दवाई भी मिली। स्नोडन थर्वेल, ये कौन सी दवाई है? सर, ये दवाई स्किजोफ्रेनिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्किजोफ्रेनिया एक तरह की दिमाग की बीमारी होती है ना? अरे हाँ फ्रेडी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सर, लेकिन वो किडनैपर ये दवाई देव को क्यों दे रहा था? ताकि देव अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे। बॉस, अगर किसी इंसान को 14 दिन भी छोटे से अंधेरे बंद कमरे में कैद करके रखा जाए तो अकेलेपन और अंधेरे की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। खाली दिमाग शैतान का घर। और इस बेचारे देव को तो पूरे 14 साल तक इसी तरीके से अंधेरे बंद कमरे में कैद करके रखा गया था। रजत, ये किडनैपर जरूर चाहता होगा कि 14 साल के बाद में जब देव बाहर निकलेगा तो अपने पूरे होशो हवास में रहेगा। हाँ सर, लग तो ऐसा ही रहा है। अब जिसने भी ये काम किया है उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो तो हम पहुंच कर ही रहेंगे। पहले पता लगाओ कि ये बग, ये चिप किसने बेची थी और किसे बेची थी। क्या तारीख बताई थी आपने? 2 सितंबर 2010 और उस बग का बैच नंबर है X91PXB4। X91PXB4, 2 सितंबर 2010। जी। आई ये बग दी थी हमने, यही नंबर था। ये बग किसको दी थी आपने? इंस्पेक्टर ऋषभ। इंस्पेक्टर ऋषभ? इस इंस्पेक्टर ऋषभ को 2 साल पहले सस्पेंड कर दिया गया था। मगर क्यों? कमिश्नर साहब ने इसको रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया था। इस ऋषभ का एड्रेस चाहिए हमें। एड्रेस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस मुलाकात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। सर, हमें तो शुरू से ही शक था कि इस जुर्म में किसी पुलिस वाले या फिर किसी फोरेंसिक डॉक्टर का हाथ है। हाँ, लेकिन रजत, ये ऋषभ ही वो कड़ी है जो हमें देव के किडनैपर तक ले जा सकती है। लेकिन पुलिस वाला होने के बावजूद भी ऐसा गंदा काम? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पहले ही पता चल गया कि हम लोग यहाँ आ गए? एक काम करो, दरवाजा तोड़ दो। सर, घर में तो कोई नहीं है।
कहीं ये चुप कर तो नहीं बैठा है घर में? देखो जरा, फैल जाओ। ऋषभ तो नहीं, बहुत बुरी तरह से चाकू से वार किए लगता है। कम से कम 5-6 वार तो है। सर, हो सकता है ये काम देव के किडनैपर्स का हो। हाँ सचिन, हो सकता है। उसे पता चल गया होगा कि वो बग जो फिट किया था वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए ऋषभ को मार डाला। अच्छी तरह से चेक करते इस घर को, एक एक कोना छान मारते, एक एक इंच, जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये रही मेरी अगली चाल। ये गया आपका प्यादा। फंस गए ना जाल में। 1-2-2.5 आपकी रानी गई। मैं तो अपनी रानी पहले ही खो चुका। आई एम सॉरी यार, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी। ये क्या है? रीयूनियन। रजत, सचिन, ये देखो क्या मिला। ग्रीन हॉर्न स्कूल क्लास ऑफ 1985 रीयूनियन। ग्रीन हॉर्न स्कूल, इसका मतलब ऋषभ भी ग्रीन हॉर्न स्कूल में पढ़ता था? सिर्फ ऋषभ ही नहीं, देव भी इसी स्कूल में पढ़ता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी, ये देव का दुश्मन भी इसी स्कूल में पढ़ता था? हाँ सर, हो सकता है। लेकिन सर, इस देव ने कभी इस स्कूल में पढ़ने वाले किसी आदमी का जिक्र नहीं किया। वही तो, क्यों नहीं किया जिक्र? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। काम करो, इस देव से बात करो, फ्रेडी को फोन लगाओ और उससे पूछो कि याद करके बताए, अच्छी तरह से याद करके बताए कि क्या जब वो स्कूल में था तब उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? अब एक मिनट। हेलो सर। हाँ फ्रेडी, देव तुम्हारे सामने। एक मिनट के लिए भी मैंने अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया देव को। मैं जानता हूँ सर, 3 दिन हो चुके हैं, देव की जान को खतरा है। अच्छा देव से बात करो। देव, लाइट कैसे चली गई? बिजली का बिल तो भरा था ना मैंने। फ्रेडी क्या हुआ? सर इसी तरह की धुन तो देव के फोन के रिंगटोन की भी है। बिल्कुल यही धुन है, यही धुन है। ये तो वही धुन है। मुझे चक्कर क्यों आ रहे? फ्रेडी, फ्रेडी, क्या हुआ? फोन कट गया सर। जरूर कुछ तो गड़बड़ है फ्रेडी के घर पर। चलते हैं उधर, जल्दी, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग देव अंकल। कौन हो तुम? मैं आपको आजाद करने के लिए आई। जिस तरह से मेरे पापा ने आपको 14 साल की उम्र के से आजाद किया, वैसे ही मैं आपको इस दुनिया से आजाद करूंगी। कौन है तुम्हारे पापा? ये आप नहीं जान सकते। अपने सबसे बड़े दुश्मन का नाम जाने बगैर ही आप मर जाएंगे। इस गन को हटाओ, इसे हटाओ, इस गन को। रुक जा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या हुआ, डर गए? इतने बड़े होकर डर गए? जब गोली चलती है ना, तब कुछ समझ में नहीं आता। गोली चलने के पहले का पल ही डरावना होता है।
और ये डर तुम्हारे दिमाग में है। सोचना बंद कर दो तो डर अपने आप ही चला जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन हो तुम? तुम्हारे पापा कौन है? कौन है तुम्हारे पापा? कौन है तुम्हारे पापा? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार? हाँ, प्रभात कुमार। तुमने क्या सोच लिया? मैं तुम्हें नाम बताए बिना ही मार दूंगी। ये नाम जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो नाम है जो मरने के पहले तुम्हारी कानों में गूंजेगा। कौन प्रभात कुमार? मैं किसी प्रभात कुमार को नहीं जानता। फिर तो तुम मेरी माँ को भी नहीं जानते होगे। कौन है तुम्हारी माँ? चित्रांगदा कुमार, जिसका तुमने बेरहमी से खून कर दिया। मैंने किसी का खून नहीं किया। अपने पापा को यहाँ बुलाओ। वो तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं, उन्हें यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बातें हो गई, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। रुक जा, रुक जा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम इतने जल्दी नहीं मरोगे ना। ये लो। रुक जा। मरने के बारे में सोचना भी मत। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। देखो जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी। संभल के, संभल के। अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो मैं उसे मार ही डालती। हम मारने देते तब ना। इतनी कम उम्र में इतनी नफरत किस लिए? बचपन से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रहा है, बदला। तेज से अपनी माँ की मौत का बदला। इस बदले और नफरत के बीच को बोया किसने तुम्हारे दिल में? तुम्हारे पापा प्रभात कुमार ने? हाँ, मुझे गर्व है अपने पापा पर कि उन्होंने मेरे माँ के हत्यारे को इतनी बड़ी सजा दी। उसे 14 साल की कैद में रखा और अब मैंने उसे गोली मार दी। तुम्हारी वजह से देव हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, समझी? देव तो मरेगा, जरूर मरेगा। पकड़े जाने के बाद भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई अभी तक। अब चाहे फांसी हो या जेल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप बता दो तुम्हारे पापा इस वक्त कहाँ हैं, समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अब जब बाप बेटी का मकसद पूरा हो ही गया है तो सजा क्यों नहीं काट लेते हैं? अब तक मकसद पूरा कहाँ हुआ है? जब देव मरेगा तब हमारा मकसद पूरा होगा। तुम ऐसे नहीं मानोगी, हमें कुछ करना पड़ेगा। फ्रेडी, इस प्रभात कुमार के सारे डिटेल्स निकालो। सचिन, निखिल, ग्रीन हॉर्न्स स्कूल जाओ, वहीं से कुछ पता चलेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। आप लोग मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो? आई मीन मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं, आपके स्टूडेंट्स ने कुछ गड़बड़ नहीं की है, बस आपके स्कूल के 1982 के बैच के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। 1982 के बैच के बारे में? एक मिनट सर, आइए सर। इस फाइल में आपको उस बैच की सारी जानकारी मिल जाएगी। देव इसी बैच में था, मगर अपने पापा के तबादले की वजह से 15 जुलाई 1982 को बीच में स्कूल छोड़ के चला गया था। 2 सितंबर 1982 में देव की क्लास में एक नीलम नाम की लड़की थी जिसने आत्महत्या की थी, लेकिन आत्महत्या की वजह नहीं लिखी यहाँ। प्रिंसिपल साहब, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जी नहीं सर, मैं तो यहाँ पिछले 5 साल से ही प्रिंसिपल हूँ। 1982 में मिस्टर दीनानाथ यहाँ के प्रिंसिपल थे, जिनके कुछ साल पहले ही मौत हो गई। मौत हो गई है? जी हाँ सर। इसमें ये भी लिखा है कि नीलम का एक भाई भी था जो 8वीं क्लास में था इसी स्कूल में। क्या नाम है उसका? प्रभात कुमार। ये प्रभात कुमार तो नताशा के पापा का नाम है ना? हाँ सर। मतलब ये प्रभात पास आउट हुआ होगा 1985 में। पास आउट हुआ होगा तो सर 1985 की फाइल देखना चाहिए। ये क्या, प्रभात और ऋषभ दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होंगे, और इसीलिए प्रभात ने ऋषभ से वो बग मंगाया होगा देव के शरीर में डालने को। और सर, जब उस बग के बारे में हमें पता चल गया तो प्रभात कुमार ने ऋषभ को ही रास्ते से हटा दिया। हो सकता है निखिल कि नीलम की मौत में देव का ही हाथ हो, इसीलिए तो प्रभात देव से बदला लेना चाहता था। और सर, अगर नीलम की मौत की वजह देव है तो देव ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? हो सकता है निखिल कि देव को पता ही ना हो, क्योंकि देव ने स्कूल छोड़ा था जुलाई महीने में और नीलम ने आत्महत्या की थी सितंबर के महीने में। अच्छा प्रिंसिपल साहब, इन सब की फोटोग्राफ मिल सकती है? जी। ये है देव और ये नीलम। तो सर, इस फाइल में ऋषभ और प्रभात का भी फोटो होना चाहिए। माय गॉड, ये है प्रभात। सर, ये प्रभात कुमार है? हाँ निखिल, अब वक्त आ गया है इस खरगोश को पिल से निकालने का। सर, मैं प्रभात कुमार के घर से आ रहा हूं।
उसका कोई आता पता नहीं है। फोन क्यों से? हाँ सर किया था, फोन बंद आ रहा है। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मेरे पापा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। सर मैं ग्रीन हॉर्न स्कूल से आ रहा हूँ, ये देखिए सर ये प्रिंट आउट। बताशा तुम्हारी बुआ ने आत्महत्या की थी, ये बात मालूम है तुम्हें? मेरी कोई बुआ नहीं है। है, नीलम कुमार नाम है उनका, मगर सितंबर 1982 में उसने आत्महत्या की थी। मगर पापा ने कभी बताया नहीं इस बारे में। ओहो, नहीं बताया, शायद भूल गए होंगे। मगर उन्होंने तुम्हें ये तो बताया होगा ना कि नीलम कुमार और देव एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये देखो पढ़ो इसे। पापा ने इतनी सारी चीजें मुझसे छुपाई क्यों? तुम्हारे पापा ने तुम्हारा इस्तेमाल किया तुम्हारी माँ की मौत का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बुआ की मौत का बदला लेने के लिए। ये सारे कागजात नकली है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना? क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? चित्रंगदा कुमार ना? हाँ। कोई फोटो है उनकी तुम्हारे पास? नहीं, उन्होंने कभी मम्मी की फोटो नहीं दिखाई। चित्रंगदा कुमार नाम की कोई औरत होगी तो दिखाएंगे ना? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? कोई चित्रंगदा कुमार नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है, कहानी तुम्हारा इस्तेमाल करने की। ये झूठ है ना? तुम्हारे मम्मी पापा की शादी कब हुई थी? 25 फरवरी 1993। मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए थे हम, वहाँ पे भी कोई प्रभात कुमार और चित्रांगदा कुमार की शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। ये नहीं हो सकता। अच्छा ये बात है, आप लोगों को लगता है कि आप लोग मुझे इन सब बातों में फंसा कर उल्लू बनाओगे तो मैं आपको अपने पापा का पता बता दूंगी, है ना? मैं आपको अपने पापा का पता नहीं बताऊंगी। तुम्हारे पापा हैं कौन, ये पता भी है तुम्हें? क्या मतलब? दया हमारा शक सही था। ये पढ़ो। ये क्या है? डीएनए रिपोर्ट। तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट मिस्टर देव के डीएनए रिपोर्ट से मैच करती है। मिस्टर देव तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे असली पापा, प्रभात कुमार नहीं। ये रिपोर्ट नकली है ना, ये सब झूठ है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना? यही सच है। तुम्हारे गाल पे जब ये तिल देखा था हमने, हमें उस वक्त शक हुआ था कि शायद तुम मीरा हो, देव और प्रिया की बेटी। ये नहीं हो सकता। मीरा तुम्हारी माँ का हत्यारा प्रभात कुमार है, उसी ने प्रिया को मारा और प्रिया के खून का इल्जाम देव के सर पे डाला और फिर एक बेटी के हाथों बाप को मरवा के बदला लेना चाहता था। ये नहीं हो सकता। फिर इस प्रभात ने बड़ी लंबी प्लानिंग की थी, उसने सोचा कि एक बेटी से बाप का खून करवा दूंगा, इस तरह मीरा को फांसी हो जाएगी और देव का सारा खानदान खत्म। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने हाथों से अपने पापा पर गोली चला दी, ये क्या कर दिया मैंने? मैं प्रभात कुमार को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी उसे। मीरा प्रभात कुमार के पापों की सजा कानून देगा उसे, तुम हमें सिर्फ ये बताओ कि वो है कहाँ। अच्छा बेटी तुम यहाँ, सीआईडी वालों ने तुम्हें छोड़ दिया? सीआईडी वालों ने मुझे छोड़ दिया जब मैंने उन्हें अपनी माँ के खून की दर्द भरी दास्तान सुनाई तो दया का भी दिल पिघल गया। दया का दिल भी पिघल गया? अरे बेवकूफ लड़की, दया का दिल कभी पिघल नहीं सकता क्योंकि इसका दिल लोहे का बना हुआ है, जरूर इसमें उनकी कोई चाल होगी। ठीक कहा तुमने, ये हमारा ही प्लान था। मिस्टर प्रभात कुमार उर्फ गिरीश, धोखा, इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। धोखेबाज तो तू है जो बचपन से अब तक मुझसे झूठ कहता आया, अपनी माँ के खूनी के कहने पर मैंने अपने पापा पर गोली चला दी। तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, कितनी कोशिश की मैंने कि कम से कम खून खराबा हो, खुशी खुशी सब कुछ निपट जाए, मगर अब मुझे लगता है यहाँ पर मुझे चार चार लाशें बिछानी पड़ेगी। तुम लाशें बिछाओगे? लाशें बिछाने लायक बचोगे तब ना। बोल क्यों किया ये सब? क्योंकि मैं देव को बर्बाद कर देना चाहता था। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी देव के साथ? देव मेरी बहन का खूनी है। लेकिन नीलम ने तो आत्महत्या की थी ना? देव की वजह से आत्महत्या की थी मेरी बहन नीलम ने, क्योंकि ग्रीन होम स्कूल में उसने सभी को ये कहकर उसे बदनाम कर दिया था कि वो उससे प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। देव तो जुलाई 1982 में स्कूल छोड़कर जा चुका था। हाँ, मगर देव के स्कूल छोड़ देने के बाद भी ग्रीन हॉर्न्स के बाकी के स्टूडेंट्स के तानों ने नीलम का पीछा नहीं छोड़ा और मायूस होकर वो खुद मौके से लटक गई। गिरीश तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, मगर बदला लेने के लिए तुमने देव के साथ जो कुछ भी किया वो भी ठीक नहीं है। सालों से पतले की आग मेरे दिल में चल रही थी और मैंने उसे कभी पूछने भी नहीं दिया, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था।
क्योंकि देव मुझे पहचानता नहीं था, इसलिए गिरीश बनकर मैंने उससे दोस्ती की। ये सब करने का क्या फायदा हुआ? तुम्हारी मरी हुई बहन वापस तो नहीं मिली ना? तुम्हें मिलेगा सिर्फ फांसी का फंदा। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है इनकी? गोली दिल के बिल्कुल पास लगी और खून भी काफी बह गया है, इसलिए इनका बचना मुश्किल है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। हमें जो कुछ करना था हम कर चुके हैं, अब तो इनको केवल भगवान ही बचा सकते हैं। पापा, पापा उठिए ना, मैं आपकी बेटी मीरा। मैं आपको पहचान नहीं पाई, पर आपको तो मुझे पहचान लेना चाहिए था ना। पापा जवाब दीजिए, इतने सालों बाद आपकी बेटी वापस आई है, आप उठकर उसे गले नहीं लगाएंगे? ओ नो, इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। पापा आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, समझ गए आप? मम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई थी, अगर आप चले गए तो मुझे कौन संभालेगा? पापा उठिए ना पापा। हे भगवान, आप प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। मैं जेल चली जाऊंगी, अपने सारे बुरे कामों की सजा काटूंगी, पर आप मेरे पापा को बचा लीजिए प्लीज भगवान। उठिए ना पापा। इन्हें होश आ रहा है। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आप पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। चौदह सालों से मैंने रखा हुआ था। ये तो मेरे बचपन का फोटो है।